Hey guys, welcome back to Biology Binge. In last video lesson, which was based on nucleic acids, you learned that there are two types of nucleic acids the DNA and the RNA. This video lesson will provide you with the details of DNA. The main focus will be on Watson and Crick model of DNA. सो लेट्स बिगिन विद दिस सबसे पहले देखते हैं कि DNA है क्या जो डी है जिसे हम डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं विच इज़ बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट इन इट जो इसका नाम है दैट इज डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड अगर आपने न्यूक्लिक एसिड्स वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें ये बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है कि इसे डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द डी शुगर प्रेजेंट इन इट क्योंकि जो न्यूक्लिक एसिड है उसके तीन कॉम्पोनेट होते हैं फॉस्फेट है शुगर होता है और नाइट्रोजन बेस होता है तो जो शुगर डी शुगर एंड इसीलिए इसका जो नाम है वो है डी न्यूक्लिक एसिड तो डीएनए का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो ये है कि ये जेनेटिक मटीरियल को कैरी करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन और फ्रॉम द पेरेंट्स टू दिंग्स तो जो डीएनए है ये लार्जेस्ट माइक्रोमोलिक्यूल है हमारी बॉडी में जो सब भी मैक्रोमोलिक्यूल हैं उन सब में से सबसे लार्जेस्ट जो मैक्रोमोलिक्यूल है वो डीएनए होता है एंड जो डीएनए है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसके अंदर जो होती है वो लेकर जाता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द सेकेंड ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इसके अलावा जो इसका काम है वो प्रोटीन सिंथिस में भी होता है क्योंकि जो प्रोटीन्स हैं उन्हें बनने के लिए जिस इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है वो इंफॉर्मेशन को एनकोड कौन करता है डी करता है डी से आर में जाता है फिर

फिशियंसी वायरस विच कॉजिज एड एंड ह्यूमन्स तो ये जो एच आई वी वायरस है उसमें आर एन ए हैं विच एक्ट एज द जेनेटिक कैरियर मतलब उसके पास जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है एज कम्पेयर टू द डी एन ए जो, जो कि डी एन ए हैं वो काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स में लेता है अपने अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेकिन आ, कुछ वायरसेज हैं जैसे कि एच आई वी उनमें आर एन ए कैरी करता है अब जो प्रोकरोड्स हैं और यूक्रियोड्स हैं उनमें एक बहुत ही जो मेजर डिफरेंस होता है वो उनके टाइप ऑफ द जेनेटिक मटेरियल में होता है क्योंकि जो प्रोकरोड्स होते हैं उनमें जो डीएनए होता है इट इज़ सर्कुलर डीएनए एन जो यूक्रिय्स होते हैं उनमें जो डीएनए है वो लीनियर डी होता है प्लस इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो डी है इन केस ऑफ प्रोकरियोड्स वो साइटोप्लाजम के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है क्योंकि कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो सराउंड नहीं कर रही होती है जैसे कि हम में है यूक्रियाट्स में है तो हम में क्या है ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है उस न्यूक्लियस के अंदर हमारा जो जेनेटिक मटीरियल है वो पड़ा है बट दैट मीन्स हमारा जो जेनेटिक मटीरियल है उसके बाहर एक न्यूक्लियर एनवेलप है या एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो कि उसे साइटोप्लाजम से सेपरेट कर रही है दैट इज़ द केस इन द यू लेकिन प्रोकरियॉर्ट्स में ऐसा नहीं है जो डी एन ए है या जो जेनेटिक मटीरियल है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है विद द साइटोप्लाजम तो ऐसे जो न्यूक्लियस है इसे हम ट्रू न्यूक्लियस नहीं कहेंगे इसे हम प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहते हैं इसीलिए कहते हैं कि प्रोक्रिय में प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है क्योंकि ट्रू न्यूक्लियस वन विच इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर एनवेलप लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं है प्रोक्रियॉट्स में तो हम उसे न्यूक्लियोड कहते हैं सो so ये सेकेंड डिफरेंस हो गया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती और वो साइटोप्लाजम के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है प्लस जो थर्ड डिफरेंस है दोनों टाइप्स में वो ये है कि जो प्रोक्रियोड्स हैं उनमें हिस्टोन प्रोटीन प्रोटीन्स एबसेंट होते हैं ना व्हाट आर दीज हिस्टोन प्रोटीन्स हिस्टोन प्रोटीन्स जो है ये पैकेजिंग का काम करते हैं जो डीएनए है वो उसको पैक किया जाता है कम्पैक्ट फॉर्म में तो वो जो कंपैक्ट फॉर्म में पैक करने का काम है वो हिस्टोन प्रोटीन्स करते हैं जो कि प्रोक्रियाड्स में एबसेंट होते हैं लेकिन यूक्रेड्स में प्रेजेंट होते हैं तो जब हम दैट इज यूक्रेट्स में जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं वाइल एंड द प्रोकर दे आर एब्सेंट तो ऐसा जो

और या तो जो माइटोकॉन्ल डीएनए है वो रिजेंबल करता है प्रोकर डीएनए के साथ तो क्योंकि वो सर्क्यूलर है ठीक है और वैसे ही मैट्रिक्स में पड़ा है उसके बाहर कोई मेमब्रेन नहीं है तो काफी हद तक वो रिजेंबल करता है विद डेट ऑफ द प्रोकरियोटिक डीएनए अब हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं कि डीएनए को डिस्कवर किसने किया था सो इट वाज़ फर्स्ट रेकग्नाइज एंड आइडेंटिफाइड बाय अ स्विस बायोलॉजिस्ट जिनका नाम था जोहानस फ्रेडरिच मेजर इन 1869। उन्होंने इसे सबसे पहले वाइट ब्लड सेल्स में डिस्कवर किया था या आइडेंटिफाई किया था नाउ एज आई ऑलियो टोल यू कि जब हम डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हम जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ़ डीएनए पर रहेगा जो वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए है ये नाइनटीन फिफ्टी थ्री में दिया गया था बाय वाट्सन एंड क्रिक जो वाट्सन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए है इट वॉज बेस्ड ऑन दी एक्स रे डिफ्रेक्शन पैटर्न जो था ऑफ़ डी एन ए विच वॉज मेड थ्रू एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक ये जो एक्सरे क्रिस्टैलोग्राफी टेक्निक थी ये विल्किंस और फ्रैंकलिन ने आ, आ, की थी और उन्होंने उससे एक एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न निकाला था ऑफ डी एन ए इस पैटर्न को यूज करके फिर वॉटसन एंड क्रिक ने इस डी एन ए का जो डुप्लेक्स है उसका स्ट्रक्चर का एक मॉडल दिया इट इज़ नोन एज द वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डी एन ए तो जो बेसिस है इस वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए का वो है एक्स रिडिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ डीएनए व्हिच वाज विच प्रोवाइडेड बाय विल्किंस एंड फ्रैंकलिन तो इसी को यूज करके वॉटसन एंड क्रिक मॉडल दिया गया था तो अब हम जब वॉटसन एंड क्रिक मॉडल करेंगे तो इसमें हमारे पास कुछ स्पेसिफ़िक फ़ीचर्स हैं जो इस मॉडल में दिए गए थे हम उनको वन बाय वन देखेंगे उन फीचर्स को अलॉन्ग विद इट्स डायग्राम की क्या है इस मॉडल में तो जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज़ एक्स डिफ्रेक्शन पैटर्न ऑफ डी जो कि अभी बताया है कि विल्किन्स और फ्रेंकलिन ने दिया था विच वॉज़ द बेसिस ऑफ दिस तो ये जो डबल हेलिक्स मॉडल है डीएनए के स्ट्रक्चर का इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज कि इट इज हैविंग टू पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन्स तो पहले तो जो पॉली न्यूक्लियोटाइड है उसमें न्यूक्लियोटाइड का क्या मीनिंग है ये पहले न्यूक्लिक एसिड्स वाली वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में बताया गया है कि जो न्यूक्लिक एसिड है न्यूक्लिक एसिड है वो न्यूक्लियोटाइड्स का बना है न्यूक्लियोटाइड है जो आगे उसके तीन पार्ट्स होते हैं फॉस्फेट है शुगर है, है और बेस है तो यहाँ पर पॉली न्यूक्लियोटाइड का मतलब है बहुत सारी जो न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ी होंगी और उससे दो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन्स बनेंगी सो दैट फॉर्म्स द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है उसका बेसिस है ये दोनों पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन्स और द स्ट्रैंड्स सो ये जो यहाँ पर पॉली न्यूक्लियोटाइड होंगे वो डी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे क्योंकि यहाँ पर जो शुगर है दैट इज द डी ऑक्सीराइबोस शुगर तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे दे विल बी डी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स तो ये कुछ इस तरह का होगा डीएनए uh, का स्ट्रक्चर जिसमें दो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन्स होंगी एक uh, जो है वो ये वाली चेन हो गई और एक इसके बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री दूसरी चेन हो जाएगी अब इसमें डिपेंडिंग कि कौन सा नाइट्रोजन बेस लगा है उस न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास चार तरह के डी ऑक्सीटाइबो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे नाइट्रोजन बेस एज आ है वोलियोटोलियो की दो तरह के होते हैं प्योरन्स होते हैं पिरािडीन्स होते हैं प्योरस आर द नाइन मेम्बर्ड डबल रिंग स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें ये एडेन

नाउ द सेकेंड पॉइंट इज द ग्लाइकोसिडिक एंड द फॉसफोडाइसट बॉन्ड्स की किस टाइप की बॉन्ड्स हैं डी एंड स्ट्रांड पे तो दो तरह की बॉन्ड्स होती हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होती हैं और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स होती हैं सो फर्स्ट वन इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वो वाली बॉन्ड होगी जो होगी इन बिटवीन दिस नाइट्रोजन ऑफ दिस ऑफ दिस बेस एंड जो दूसरा इसका पार्ट होगा वो होगा विद दिस कार्बन ऑफ द शुगर तो वो वाली बॉन्ड दैट अटैच द नाइट्रोजन बेस विद द डी शुगर एट द कार्बन नंबर वन ऑफ द शुगर एंड इफ इट इज दिस प्यूरिन तो यहाँ पर नाइट्रोजन नंबर नाइन होगा और अगर यहाँ पर पेरामडीन है तो नाइट्रोजन नंबर वन होगा तो ये वाला जो बॉन्ड होता है दिस इज नोन एज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दिस कैन बी सीन हेयर जो यहां पर बॉन्ड है नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में दैट इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ठीक है अगर यहाँ पर पेरामिडीन है जैसे कि थाय में जैसे कि थायमीन है तो जो बॉन्ड है वो कार्बन वन एंड नाइट्रोजन वन के बीच में है अगर यहाँ पर प्योरिन है दैट इज एडेनिन है यहाँ पर तो यहाँ पर जो बॉन्ड होगी वो नाइट्रोजन uh, बेस के नाइट्रोजन नंबर नाइन और uh, जो शुगर है उसके कार्बन नंबर वन के बीच में होगी जो सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड है दैट इज द फॉस्फोडाइस्टि बॉन्ड जो फॉस्फोडाइस्ट बॉन्ड है ये दो शुगर्स के बीच में बॉन्ड है वाया अ फॉस्फेट ग्रुप तो जो जो, जो uh, एक फॉस्फेट ग्रुप है वो एक शुगर के कार्बन नंबर थ्री के साथ जुड़ा होगा और दूसरे वाला जो उसके बिल्कुल साथ वाला शुगर होगा उसके कार्बन नंबर फाइव के साथ जुड़ा होगा सो इट विल बी थ्री फाइव फॉसफो बॉन्ड विच विल बी वाया फॉस्फेट ग्रुप और लिंक करेगा दो शुगर्स को द नेक्स्ट वन इज़ द डी एन ए डुप्लेक्स अब जो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज द डी एन ए डुप्लेक्स दिस कैन बी सीन इन दिस डायग्राम पहले भी बताया कि जो डी एन ए मॉलिक्यूल है वो दो पॉली न्यूक्लियोटाइट चेन्स का बना हुआ है ये जो दोनों पॉली न्यूक्लियोटाइट चेन्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर स्पायरली कॉइल्ड है तो ये जो जो दोनों स्पायरल स्ट्रैंड्स हैं डी एन ए की इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं डी एन ए डुप्लेक्स जो डी एन ए डुप्लेक्स है इसका जो डायामीटर होता है लाइक like दिस इट इज अब ट्वेंटी एम स्ट्रॉन्ग्स होता है या फिर टू नैनोमीटर्स भी कहते हैं सो इट इज़ ट्वेंटी एम स्ट्रॉन्ग्स होता है जो दोनों स्ट्रैंड हैं वो एक दूसरे के ऊपर कॉइल्ड नहीं हैं पर पहले uh, वो उनकी कॉइलिंग कैसे हैं कि दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो दे इट इज़ कोइल्ड दे आर कॉल्ड अपॉन इट्स सेल्फ मतलब पहले एक दूसरे से बॉन्ड हुई और फिर इकट्ठी उनकी कॉइलिंग हुई है दैट इज दे आर कोइल्ड दिस इज कॉल्ड अपॉन इट्स सेल्फ तो यहाँ पर जो कॉइलिंग दिखाई गई है इट इज़ राइट हैंडेड कॉयलिंग की गई है तो ये जो कॉइलिंग है इट इज प्लेक्टोनिमिक प्लेक्टोनिमिक का मतलब होता है कि इन दोनों स्ट्रैंड्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते जब तक हम उन्हें पूरी तरह अनवाइंड नहीं कर देते जब तक हम इस डुप्लेक्स को पूरी तरह खोल नहीं देते तब तक हम इन दोनों स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते हैं दिस टाइप ऑफ कॉइलिंग इज नोन एज द प्लेक्टोनिमिक कॉइलिंग एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर इज द डायमीटर ऑफ दिस डुप्लेक्स दैट इज ट्वेंटी एम स्ट्रॉग और टू नैनोमीटर्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द मेजर एंड माइनर ग्रोव्स अब यहाँ पर ड्यू टू द स्पायरल कॉयलिंग जो कि यहाँ पर देखी है कि स्पायरली कॉयल हुए हुए दोनों जो स्ट्रांस हैं तो यहाँ पर स्पाइरल ट्विस्टिंग की वजह से दो तरह की ग्रूव्स बनेंगी द दन एक होगी मेजर ग्रूव और सेकेंड वन होगी माइनर ग्रूव जो कि यहाँ पर देखी जा सकती है कि दिस इज़ द मेजर ग्रूव और जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है दैट इज द माइनर ग्रूव तो जो मेजर ग्रूव होती है उसकी लेंथ होती है ट्वेंटी टू एमस्ट्रॉन्ग्स अगेन दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज़ इसकी जो लेंथ होगी दैट विल बी ट्वेंटी टू एमस्ट्रॉन्ग्स और जो माइनर ग्रूव होगी उसकी लेंथ होगी ट्वेल्व एमस्ट्रॉन्ग्स एंड दिस आर फॉर्म्ड ड्यू टू द स्पायरल कॉयलिंग अब ये जो एक टर्न होगा या एक स्पायरल जो होगा अब वन टर्न ऑफ द स्पायरल विल बी हैविंग अ डिस्टेंस ऑफ थर्टी फोर एमस्ट्रोंगस एक टर्न मतलब एक यहाँ से ग्रूव से स्टार्ट करके सेकेंड तक जिसमें एक मेजर ग्रूव आएगी और एक माइनर ग्रूव आएगी सो दिस विल बी वन टर्न और जो इसकी लेंथ है दैट विल बी थर्टी फोर एम इस लेंथ के अंदर इन टोटल टेन न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स आएंगे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन कि जो टर्न है एक उसकी लेंथ है थर्टी फोर एम और एक स्पायरल

क्योंकि जो नाइट्रोजन बेसिस हैं वो तो अंदर की तरफ है तो जो बैकबोन बन रही है उसमें कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं फॉस्फेट आ रहा है और शुगर आ रहा है अगेन फॉस्फेट दैन शुगर सो ऑल्टरनेटिवली ये चलते हैं पहले फॉस्फेट दैन शुगर फॉस्फेट शुगर इस तरह से एंड दे टुगेदर फॉर्म द बैक बोन ऑफ द डी एन ए स्ट्रांड एंड जो नाइट्रोजन बेसिस हैं दे लाए एट नाइन्टी डिग्री के एंगल पर या राइट एंगल पर वो अंदर की तरफ ओरिएंटेड होते हैं तो यहाँ पर ऑल्टरनेट जो डी ऑक्सीडाइबोल्स शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप फॉर्म द बैकबोन ऑफ द डीएनए स्ट्रांड देन द नेक्स्ट पॉइंट इज द पुलरिटी अब ये पोलैरिटी कैसे है यहां पर पोलैरिटी मीन्स द डायरेक्शन दैट मीन्स दोनों जो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं उनकी स्पेसिफिक डायरेक्शन है जो एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है या एक जो डी एन एस है उसके एक एंड पर दैट इज द फाइव एंड जिसे हम कहते हैं वहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा और दूसरा एंड जो होगा वहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा फ्री ओ एच ग्रुप प्रेजेंट होगा विच विल बी एट थर्ड नंबर कार्बन तो जो एक एंड होगा जहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा दैट विल बिकॉज इट इज अटैच्ड

End that is because of the free phosphate group at 5 end and free OH group at the third at the 3 end. द नेक्स्ट पॉइंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इट मेक्स इट फिक्सड किस नाइट्रोजन बेस के ऑपोजिट कौन से वाला नाइट्रोजन बेस आकर लगेगा जो बेस पेयरिंग है ये पेयरिंग है किसके बीच में कि एक तरफ प्यूरिन होगा और उसके ऑपोजिट हमेशा एक पिरमिडीन होगा जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों स्ट्रैंड जो हैं यहाँ पर एक तरफ प्यूरिन है और उसके ऑपोजिट एंड पर हमेशा एक पिरामिडीन है यहाँ पर पिरामिडीन है तो उसके ऑपोजिट प्यूरिन है इसी तरह से यहाँ पर भी एक पिरामिडीन है उसके ऑपोजिट प्यूरिन है सो ऑलवेज अ प्यूरिन इज पेयर्ड बाय अ पिरामिडीन और प्यूरिन हमारे पास दो टाइप्स के हैं एडेनिन एंड गुआनिन और पिरामिडीन हमारे पास दो टाइप्स के हैं थायमिन एंड साइटोसिन तो ऑलवेज इट इज़ फिक्स्ड कि एडेनिन के ऑपोजिट हमेशा थायमिन लगेगा और गुआनिन के ऑपोजिट हमेशा साइटोसिन लगेगा दैट इज एडेनिन ऑफ वन स्ट्रैंड ऑलवेज पेयर्स विद थायमिन ऑफ द अदर वन इसी तरह से जो ग्वानीन है ऑफ वन स्ट्रैंड इट ऑलवेज पेयर्स विद द साइटोसिन ऑफ द अदर वन एंड दैट मेक्स इट श्योर कि जो अमाउंट है एडनिन का वो हमेशा थाइमीन के बराबर रहेगा और जो ग्वानी है इट विल बी ऑलवेज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ साइटोसिन जितने एडनिन उतने ही थाइमीन जितने गवानी उतने ही साइटोसिन और ये एक चारगैफ रूल है जो हम आगे पढ़ेंगे उससे ये कन्फर्म किया गया था कि ऑलवेज दी अमाउंट जो प्यूरस का है वो मतलब एडनिन जितना होगा उतना ही थाइमीन होगा और जितना गवानी होगा उतना ही साइटोसिन होगा तो इस तरह की जो बेस पेयरिंग है दैट इज नोन एज द कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग द नेक्स्ट पॉइंट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो यहाँ पर डॉटेड ब्लू लाइंस नजर आ रही हैं तीस रिप्रजेंटि हाइड्रोजन बॉन्ड्स और यहाँ पर ये क्लियरली पता लग रहा है कि जो एडनीन और टाइमिन है ऑलवेज दे आर बॉन्डेड बाय टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स उनके बीच में क्या है दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं और साइटोसिन और ग्वानीन है ऑलवेज दे आर बॉन्डेड बाय थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं ये दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में लिंक करती हैं ये दे हेल्प टूगेदर द टू स्ट्रैंड्स और ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं देव हम जब भी एडेनिन और थायमीन के बीच में बॉन्डिंग होगी तो हमेशा दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहेंगे इट विल इज इज ऑलवेज फिक्स्ड एंड व्हेन देयर व्हेन एवर देयर इज अ बॉन्डिंग बिटवीन ग्वानीन एंड साइटोसिन देयर आर ऑलवेज थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म्ड एंड द लास्ट पॉइंट इज द एंटी पैरेलल स्टैंड्स हेयर इट कैन बी सीन वेरी क्लियरली किटी पैरल ऑरियटेशन कैसे होती है दोनों स्ट्रांड्स की जब हमने पोलैरिटी के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि एक स्ट्रांड का जो एक एंड होता है वहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप फ्री पड़ा होता है क्योंकि फॉस्फेट कार्बन नंबर फाइव के साथ लिंकड होता है तो हम उसे फाइव एंड कहते हैं और जो उसका ऑपोजिट एंड होता है दैट इज ऑलवेज अ थ्री एंड थ्री एंड क्योंकि वहां पर थ्री uh, जो थर्ड नंबर कार्बन है उसके साथ एक फ्री ओ एच ग्रुप लगा होता है तो हम उसे थ्री एंड

ऑपोजिट होगा और जो दूसरी स्ट्रैंड का जो फाइव एंड होगा वो पहले वाली स्ट्रैंड के थ्री एंड के ऑपोजिट होगा तो इट दिस स्पेसिफाइज इट की एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन होती है एंड बोथ द स्ट्रैंड्स रन एंटी पैरेलल टू ईच अदर दैट इज एक जो है फाइव टू थ्री इस डायरेक्शन में है और उसके ऑपोजिट वाली फाइव टू थ्री उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी लेकिन दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ़ डी एन ए जिसमें एक थ्री डिमेंशनल मॉडल को रिप्रेजेंट किया जाता है ऑफ़ द डी एन ए डेक्स और ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि इस मॉडल में दिए गए थे ये सभी पॉइंट्स इसी मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड दैन कम्स द चारकैस रूल जो अरविंद चारकैफ है उसने कुछ रूल्स uh, uh, दिए थे या उसकी कुछ फाइंडिंग्स थी ऑन द बेस ऑफ कि प्यूरस और पैरामिडीन्स जो हैं उनके ऊपर उसकी कुछ फाइंडिंग्स थी उनकी कॉम्पोजिशन को लेकर तो इसमें मेन जो है तीन रूल्स आते हैं पहला ये कि हमेशा जो प्यूरन्स और पैरामडीन्स होंगे वो इक्वल अमाउंट में होंगे दैट इज़ द नंबर ऑफ प्योरन्स विल भी ऑलवेज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ पेमिडींस दैट इज ए प्लस जी विच आर द प्योरन्स इज़ ऑलवेज इक्वल टू T plus C, which are the pyrimidines. The second finding is that जितने adenine होंगे उतने ही thymine होंगे और जितने cytosines होंगे उतने ही there will be guanines. The third one की जो इनकी base ratio रहती है that is A plus T uh, uh, divided by G plus C. It is always one. It एक species के लिए हमेशा constant होता है लेकिन species to species vary करता है. Within a species it is constant. लेकिन species to species ये vary करता है. These findings were Called the Chargaff's rules, which were based on the compositions of the purine and pyrimidines. And then the last is the types of DNA. Now, many types of DNA Basically, they are there? Basically, there are A, B, C, D, E, and Z. ये टाइप्स हैं डीएनए की दैट इज सिक्स टाइप्स ऑफ डीएनए लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉमन डीएनए एन कॉन्फर्मेशन होती है वो बी डीएनए होती है विच इज़ द राइट हेलिक्स होता है तो जो बी डीएनए है ये सबसे कॉमन वाली कन्फर्मेशन नॉर्मल फिजोलॉजिकल कंडीशन में जो डी है वो इसी कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट करता है एंड जब हमने इसका uh, किया था वाटस एंड क्रिक मॉडल तो वहाँ पर हमने देखा था कि एक टर्न में टेन बेस पेयर्स आते हैं तो वॉट इज डिफरेंट इन ऑल दीज टाइप एक तो उनकी ऑरियन

2 बेस पेयर्स आते हैं पर टर्न जो सी और डी डीएनए है इनमें नाइन और एट बेस पेयर्स आते हैं पर टर्न रिस्पेक्टिवली सी में नाइन एंड डी में एट आते हैं सो दिस वाज ऑल अबाउट द डीएनए आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल